हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शबब और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुछ बहुत ही क्यूट क्यूट से DIYs और सब कुछ बना है वेस्ट मटेरियल से, मतलब कबाड़ से। तो आपको भी अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें बनानी हो तो अपने घर के पहले चारों कोने को छान मारना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये हेयर स्प्रे की बॉटल का, जो कि मेरे घर में काफ़ी सारी हैं। तो मैंने एक स्प्रे से तो बनाया था फ्लावर पॉट, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, और अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ एक कैंडल होल्डर। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर के साइड को कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। और इसके बाद मैंने ग्लू गन को मेल्ट करके इसकी हेल्प से इसके सारे कॉर्नर्स को सिक्योर कर दिया है। और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता गया और बस मैंने अपने ग्लू गन को गोल गोल घुमाना चालू किया और इसके ऊपर कुछ इस टाइप का पैटर्न ड्रॉ हो गया था। अब इसको पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक कलर का, और इस पर मैंने दो लेयर्स करी थी तब जाके इसका पीछे का जो प्रिंट है वो थोड़ा सा हल्का हुआ था। और अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप एक बार जैसो का कोट अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे पास मतलब मैं भूल गई थी करना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब छोड़ो, मैं इसके ऊपर डबल ट्रिपल लेयर कर दूँगी। लेकिन दो लेयर के बाद इसकी प्रिंट विजिबल नहीं हो रही थी। तो ये तो था फर्स्ट कोट, और अब ये हो गया है इसके ऊपर सेकेंड कोटिंग। और अब मैं इस पे ब्रॉन्ज का थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ इस ग्लू गन वाली लेयर को। और हमारा ये कैंडल होल्डर रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए अपना सेकेंड DIY बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये कॉफ़ी मग का, जो कि टूट गया था। तो मैंने सोचा कि यार इसका कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने इसको फेविबॉन्ड की हेल्प से जॉइंट कर दिया था, लेकिन इसका एक पीस मुझे मिल नहीं रहा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया था। तो उसको हाइड करने के लिए मैंने फेविक्रिल की मोल्ड क्ले का यूज़ किया है। और कुछ भी नहीं करना है, आप कोई भी शेप एंड साइज़ आपके अकॉर्डिंग कोई फ्लावर या कुछ भी आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लीव्स का पैटर्न दे सकते हैं, या कोई डोरेमोन वगैरह या कोई कार्टून का भी शेप आप दे सकते हैं एज़ योर विश। तो मैंने तो इस पर स्टारफिश का लुक दिया था। और बस अब इस स्टारफिश को मैं इसके ब्रोकन एरिया पे अटैच कर रही हूँ उसी फेविबॉन्ड की हेल्प से। और ये काफ़ी ज़्यादा एडहेसिव ग्लू होता है, इसलिए आप ज़्यादातर क्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए इसी का ही यूज़ किया करिए।
और उसके बाद मैं कर रही हूँ इस पर ब्राउन और वाइट से थोड़ा सा कलर, लेकिन ये फेविक्रिल की मोल्ड क्ले है तो ये कलर्स को कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर जैसो भी अप्लाई किया है। और बस अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा और कलर्स कर रही हूँ सर्कल में। आप कोई भी शेप बना सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ भी रहन दे सकते हैं, एज यू विश। और बस इसको सिक्योर करने के लिए मैं अब इस पर थोड़ा सा वार्निश लगाऊंगी। और अब ये हमारा क्यूट सा प्लांटर बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम कॉफ़ी मग की तरह तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिसाइकल किया, रीयूज़ किया, ताकि मैं इसको एक प्लांटर में कन्वर्ट कर सकूँ। और कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं न्यू वीडियोज़ की वो आपको मिल जाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।